इंसान जब धरती पर जन्म लेके आता है तो सबसे पहले उसको तीन चीज़ की जरूरत ज़्यादा होती है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। चलिए, कुछ सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया था कि भाई आपने अभी तक अपना घर नहीं दिखाया। मैं इस बात को लेकर भी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने सब्सक्राइबर का मान और चाहत को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप सभी का अपने भाई के ऊपर प्यार आशीर्वाद देते हो तो आपका भाई बहुत ऊपर मस्जिद तक जाकर दिखाऊंगा। तो मैं भी फाइनली काम करके आया हूँ, इसलिए थोड़ा पानी से ज़्यादा धोया है, तो आपको चमक रहा होगा। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। तो चलिए ब्लॉग के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। अभी थोड़ा काम करके आया था, इसीलिए अभी घर पहुँचा नहीं हूँ, अभी रास्ते में था। मैं फाइनली अभी अपने घर के पास पहुंच चुका हूं, और ये है मेरा घर, आप देख सकते हैं, जो मैं आपको पूरी तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको अपना घर अंदर से दिखाता हूं। यह है मेरा बेड और मैं यहां पे सोता हूं, और यहां पे मोबाइल चार्ज करता हूं, जो आपको दिख रही है बोर्ड, यहां पे मोबाइल चार्ज करता हूं, और इसमें गेहूँ रखा हुआ है। और ये है जो कुछ दिन पहले आंधी तूफान बारिश आई थी उसमें गिर गया है, जिसको मैं हम लोग चार्ट से उधर घिरा हुआ है। और ये है मेरे मम्मी, मम्मी हाय बोल दो। और ये है घर, ये है अंदर तक, यहाँ पे खाना बनता है रात को, और वहाँ पे यहाँ पे दिन को बनता है। ये है मेरा छोटा सा घर, और इधर भी थोड़ा गिर गया है घर, जो आपको दिख रहा होगा, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश आया था उसमें गिर गया है। और इधर एक रूम है, तो आपको मैं पूरी तरह दिखाता हूँ। और इसमें चावल रखा हुआ है। एक और है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी चावल रखा हुआ है। और छत है, उस पर सारा सामान रखा हुआ है। तो चलिए, सो गाइस, आपने देखा मेरा छोटा सा प्यारा घर, और जो आपको दिख रहा है कृष्ण भगवान का पूरा फोटो लगा हुआ है। तो शायद आपको घर पसंद आया होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, तो इस आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंसान जब धरती पर जन्म लेकर आता है तो सबसे पहले उसको तीन चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो तीन चीज़ है क्या? तो तीन चीज़ है, खाना, कपड़ा और मकान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खाना, कपड़ा और मकान। इसके बाद उसे एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरे लिए घर ही नहीं, बल्कि मेरे लिए मंदिर के समान है। जो आपको दिख रही पीछे बंदरी, मेरी बहन है और दो भाई हैं, साथ दो लोग स्कूल गए पढ़ने के लिए, और पापा हैं, तो पापा मार्केट गए हैं। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, इसके बाद मेरी बहन है और दो छोटे भाई हैं। तो मेरे ऊपर थोड़ा जिम्मेवारी भी है घर का। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक ऑल ऑफ यू।